साथ संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बीबी रजिंदर कौर जी, इस्त्री अकाली दल के प्रधान ने, वो जाते जाते एक गुरबाणी की तुक पढ़ के गए ने, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फैडरेशन का इजलास है। जे सिखां कोले राज ना होवे ता सिख की कीमत पिंजरे के पंछी नालों वधेरे नहीं। जे सिखां दा राज ना हुंदा श्री दरबार साहब की सुंदरता संसार के सामने ना आउंदी। श्री ननकाणा साहब के संबंध में जद शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह पहली बार ननकाणा साहब गए, उत्थे एक पुजारी मिलिया उन्होंने, ता महाराजा रणजीत सिंह ने पूछया कि कोई दीवा नहीं है, कोई रोशनी नहीं है जिस गुरु नानक की बदौलत इस रणजीत सिंह नू राज मिलिया है, की कारण है इत्थे? उसने कहा कि मैं बड़ा गरीब आदमी हाँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं कि मैं तेल ला सकां, कोई दीवा खरीद सकां। महाराजा रणजीत सिंह ने अपना घोड़ा दिता उसनू कि सिंह जी, इस घोड़े ते बैठ के जिहड़ा शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा घोड़ा है, तू ननकाणा साहब की जूझ जिन्नी दूर जा सकदा चलिया जा, जिन्ने पिंड रोक ले, जिन्ने जमीन रोक ले, वह मेरे गुरु नानक पातशाह दे इस मंदिर की जागीर बनेंगे। जे सिखां विच राज दी गल नहीं चलनी ता हिंदुस्तान दे पिंजरे च इन्हां बच्चियां ने आउण वाले समय अंदर पंछियां नी तरह तड़फ तड़फ के मरना। एक गल समझ ले कौम भी के नौजवानां नू सद्या, उन्होंने गल कीती है, इत्थे हर बुलारा फैडरेशन दे लीडर ए गल कह के गल आरंभ करदे रहे ने, राज करेगा खालसा आकी रहे ना कोई। एक जे 900 साल गुलाम रहने वाली हिंदू कौम सैकड़े सदियां तो बाद राज दी गल कर सकती है। 97 वरे सिख हिंदुस्तान च गुलाम रहे, ये आजादी की गल क्यों नहीं कर सकते? किथे बंदिश है सिखां लई? जे राज भैड़ी गल सी तां रणजीत सिंह नूं राज करन दी लोड़ नहीं सी। जे राज भैड़ी गल सी हरिमंदर साहब दे मुकाबले ते श्री अकाल तख्त साहब दी सिरजना नहीं सी हो सकदी। जे महज धर्म दी गल नाल गल चलदी हुंदी तां फिर ये दोहरा सामने नहीं सी आउंदा। श्री मुखवाद भनियो गरीब नवाज, शस्त्रन के अधीन है राज, राज बिना न धर्म चले है, धर्म बिना सब चले मले है। राज दी गल करन लई जे अकाल तख्त दी ताबिया पंथ कठा होवे तां बाबा बंदा बहादुर ने राज दी गल कीती, और गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने आनंदपुर दे किले सिखां नूं कहा कि जे थोड़ी देर अटक जाओ खालसा जी मैं सृष्टि दा राज देंगा। राज कौमां दी जिंद जान होया करदा, बशर्ते के राज धर्म दा राज होवे। राज दी गल क्यों ना करिए? असी माला फड़ के हिंदुस्तान दे किसे मठ दे पुजारी नहीं बनना चाहुंदे। हिंदुस्तान च हिंदू ने राज करना, सिख पंजाब विच राज करनगे। गुरु कलगी वाले पातशाह ने शब्द पढ़ो उन्हां दा, उन्हां ने कहा खालसा मेरो सब जन सूरा, खालसा मेरो सतगुरु पूरा। जे खालसा पूरा सतगुरु है, वह हिंदुस्तान दे हिंदू दा गुलाम नहीं रह सकता। ते यहां खालसे और सतगुरु दा कोई रिश्ता नहीं है। संगत दे सामने कोई ऐसी तुक जिहदा अर्थ गलत निकल रहा होवे कि राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं, सिख राज भी चाहते ने, सिख मुक्ति भी चाहते ने, लेकिन गुरु दे ओट आसरे दे अधीन चाहते ने। जे राज ना हुंदा हरिमंदर साहब की पवित्र इमारत निक्कियां निक्कियां इट्टां दी इमारत हुंदी। हिंदुस्तान दे हुक्मरान ने यह दसण लई कि हुक्मरान है
उन्हें सरदार गुरचरण सिंह तौड़ा प्रधान श्रोमणी कमेटी नूं लिखिया कि दसो खालसा जी तुहाडे कोल सोना किन्ना है, तुहाडा राज आया तुसियां निक्कियां इट्टां ने मंदिर ते सोना चढ़ाया, लेकिन जद हिंदुस्तान का 1000 साल गुलामी सहन वाला हिंदू हिंदुस्तान का हुक्मरान बनिया उन्हें तुहाडे सोने का हिसाब पुछया। मुरारजी देसाई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनिया उन्हें दर्शनी द्यूड़ी दे दरवाजे से निगाह टकई और चिट्ठी लिख के कहा यह सोमनाथ के मंदिर के दरवाजे ने, इन्हों उतार के सोमनाथ भेजा जाना चाहिए। ये राज दे करिश्मे ने के बुजदलां और कैलां कोले राज आया उन्हें सोने का हिसाब पूछे, उन्हें कोले राज आवे और दर्शनी द्यूड़ी के दरवाजे से निगाह टकाउण, उन्होंने निगाह तुहाडियां दाड़ियां ते, उन्हां दी निगाह तुहाडे चेहरियां मोहरियां ते, उन्हां दी निगाह तुहाडियां बत्तियां ते, उन्हां दी निगाह सिखी सिद्धांत ते, कि या सिख रहेगा या हिंदुस्तान का हिंदू हुक्मरान रहेगा। जे तुसी इजलास बुलाया है ये गल कोई माड़ी नहीं, जे गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी तुसी दोहरा पढ़ते हो राज करेगा खालसा, एक तो पढ़ने लई पढ़िया जांदा है। जे सिखां विच राज दी भावना नूं उजागर ना करना हुंदा दुनिया की किसी कौम कोले एक मंदिर भी तख्त की शक्ल विच नहीं है, दुनिया की कोई कौम दसो, लेकिन सिख कौम है जे इत्थे आउंदी है वह श्री अकाल तख्त साहब के सामने हाजिर हुंदी है, जे वह दक्कण च जाए वह तख्त श्री पटना साहब के दस्त दर्शन करती है, वह बिहार च जाए पटना साहब और दक्कण च जाए श्री हजूर साहब, मालवे च जाओ तख्त श्री दमदमा साहब, तुसी जिधर जाओ गुरु गोबिंद सिंह तुहाडे पिछे पिछे है, तुहानू याद कराउंदे ने कि मैं तुहानू तख्त दे मालक बनाया, लेकिन हिंदुस्तान दे ब्राह्मणवाद दे पिंजरे च 30 साल सिखां ने पिंजरे च बैठ के चूरी खाधी और 30 साल मतवातर इन्हां ने अपने आप नू केशाधारी हिंदू हिंदुस्तान दी विधान दी तारा 25 दे अधीन अपने आप नू केशाधारी हिंदू बनाया। मुकदमे बनते ने भाई अमरीक सिंह दे बने ने, मेरे दे बने ने, लेकिन मैं एक गल साफ कहना चाहना कि हिंदुस्तान की सरकार नू समझो जे हिंदुस्तान विच रहना है, कोई हिंदुस्तान की तकसीम नहीं चाहते, कोई हिंदुस्तान की वंडी नहीं चाहते, लेकिन हिंदुस्तान का हुक्मरान चाहता है कि तुहाडे चेहरे नालों तुहाडा दाड़ा अलहदा कर दिता जाए, हिंदुस्तान का हिंदू हुक्मरान चाहता है कि सिख का अमृत विश्वास ना रहे, लेकिन तुसी की चाहते हो तुसी आओ और एडे परे इजलास विच कौम नूं आपां इह गल कह दईए कि राज साडी भावना नहीं, फिर असी किसे गोरखनाथ दे टिले दे पुजारी नहीं हाँ कि हिंदुस्तान की धरती से अपने आप नूं गुलाम बना के रखना है। जे दोहरा पढ़ते हाँ तो हिंदुस्तान के इस खिते असी अमृतधारियों की सरकार चाहते हाँ, जे जुल्म अमृतधारियों ने सहना है, जे बंद बंद अमृतधारियों ने अपना कटाउणा है, जे बुढ़िया मावां ने अपने पुत्रां दीआं लाशां नूं पंजाब दी धरती ते अपनियां झोलियां च पवाउणा है, ते फिर पंजाब दी धरती ते राज किसे खदरधारी दा नहीं हो सकदा, किसे निकरधारी दा नहीं हो सकदा, फिर पंजाब ते राज होएगा अमृतधारियां दा। ये फैसला हिंदुस्तान दी सरकार करे उन्हें राज वोटां राही देना है, उन्हें राज ताकत राही देना है। तुसी हिंदुस्तान नूं समझण दी गल करनी, 1846 अंग्रेज ने लिखिया सी कि जिन्नी देर सिख सरदारां दे सिरां नूं घोड़ियां दा सुम्मा हेठ ना रौंदिया गया अंग्रेज दा राज हिंदुस्तान च नहीं हो सकदा। 1946 100 साल बाद सरदार पटेल ने इहो गल कही कि सिख जुराइम पेशा लोकां दी कौम ने, यह फैसला तुसी करो कि जुराइम पेशा लोग हो कि तुसी देश भगत हो, तुसी सर्टिफिकेट लई फिरदे हो, असी देश लई जी अन्न पैदा करदे हां, करी जाओ बई, तुसी देश दे चौकीदार हो, चौकीदारां नूं तुसी पिंड च पंच नहीं बनाउंदे, हिंदुस्तान तुहानूं पंजाब दे हुक्मरान किवें बनाएगा। दुनिया दी किसे कौम नूं जिहड़ी अपनी डिक्शनरी च चौकीदारां दे अखर भर्ती कर ले, जिहड़ी कौम अपने आप नूं वड्डियां सेवादारां दी गिणती च करे, खालसे दा शब्द खालसा शब्द अर्थ है हुक्मरान। तुसी महकूम बने 97 साल, लेकिन 9 सदियां गुलामी दियां जज़ीरां पहन के जिहदी पगड़ी बनना कानून मुताबक जुर्म सी, जिन्हों पैरी जुत्ती पाउणा जुर्म सी, जिन्हों गल विच जनेऊ पहन के चलना जुर्म सी,
जिन्हों अपनी बेटी की शादी दिन दहाड़े करनी जुर्म सी वो यार वो लोग हिंदुस्तान के हुक्मरान बने, लेकिन कुर्बानियां देने वाले भाई अमरीक सिंह वर्गे सिंह 35 साल की जर्जरी सोचनी ने सिखा नू उथे लिया के खड़ा करता जिथे सिखा नू सोचना पै रहा है कि सिख हुण जान ता जान किधर। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद आओ तस्वीर लगी है तुहाडे हाल विच शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दी, जे तां तस्वीर मनाउण दा सुभा पाउणा, जे तस्वीर देखण दा सुभा पाउणा तां इस कौम दी किस्मत नू कोई नहीं बना सकदा, लेकिन जे तस्वीर दे रूप विच पंजाब दी धरती ते तुसीं हुकूमत करनी है इन्हां तस्वीर दा तां कोई लाभ है। जे हुक्मरान ना बने, धर्म दे राज दी स्थापना ना कीती, ऐस सोने दे मंदिर दा सोना हिंदुस्तान दा ब्राह्मण उतारेगा। मैं तुहानू कोई गल वधा कढ़ा के नहीं कह रहा, मैं असलियत कह रहा। 1746 च सिख शहीद हुंदा रहा, 1846 च सिख शहीद हुंदा रहा, 1946 च सिख शहीद होया, अज फिर सारी कौम शहीद हो रही है। आ सरोपा किन्हां नूं दित्ते? यह अपना काम केवल शहीद कराउणा है या शहीदां दी शहादत दी कीमत हिंदुस्तान दी सरकार तों वसूलणी है? अज दे इस दिन ते मैं इस गल्लों खुश हां कि एक ऐसा गभरू जेड़ा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र दे रूप विच कदे सरहंद दीआं दीवारां च चिणिया जांदा है, किते चमकौर दी गढ़ी शहीद हुंदा है, लेकिन गुस्सा आउंदा है जे कोई बाप पुत्र नूं युद्ध भूमि तोरे। इत्थे गल होई भाई अमरीक सिंह दे संबंध विच कि जदों संतां ने ऐलान कीता भाई अमरीक सिंह लई सिख हो है जिहड़ा गुरु वांगू चले, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वड्डे साहिबजादे नूं चमकौर दी गढ़ी चों तोरिया, लेकिन कोई तीर सतगुरु ने पहली वेर नहीं चलाया। जदों छोटा साहिबजादा चलिया सतगुरु ने गुरोह विच आके एक तीर मुगल फौजां दे छड्डिया, यह दसण लई कि चमकौर दी गढ़ी च अजे गुरु गोबिंद सिंह जिंदा बैठा है। जे तुसी जिंदा हो, मुर्दा नहीं, हिंदुस्तान नूं दसना पएगा कि असी मंजी साहब दे दीवान हाल विच अज तुहाडे नाल एक गल करनी चाहुंदे आ कि हिंदुस्तान ते राज करो, जम जम करो। इंदिरा गांधी करे, उहदा पुत्र करे, पोतरा करे, लेकिन असी जमना तो अगले हिस्से दे पंजाबी बोलदे इलाके लै के बीबी जे गिणती दे आधार ते असी राज करने 500 साल सिख राज नहीं कर सकते, सिख कदे राज नहीं कर सकणगे। ये गल समझ लेनी, जदों 62% सी राज उदों ना होया, जदों 52 होए राज उदों नहीं होया, आउंदे 1991 च तुहाडी गिणती 42% रह जानी है, फिर राज देण तुहानूं कौन आएगा? बिन बल को राज न दे है जो लै है निज बल से लै है। जे गुरु गोबिंद सिंह दे संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल प्रधान श्रोमणी अकाली दल इत्थे सुशोभित ने, उन्होंने एक दीवान विच कहा सी कि मैं तुहाडे हिरदे दीआं भावनावां नूं समझदा ते मेरे हिरदे विच भी है कि मैं तुहाडे हिरदे दी गुप्त गल दे आधार ते ऐसे राज दी सिरजना जिहो रे जे राज दी तस्वीर उह साडे सामने लगी हुई है। यह गल संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल प्रधान श्रोमणी अकाली दल ने कही। कौम दे तन भाग ने, दो महात्मा ने, लेकिन इत्थे जनरल जसवंत सिंह भुल्लर बैठे ने, बड़े खुश होए जदों उन्होंने सरोपा मिलिया। मैं क्या पंथ दा सरोपा केसरी जरूर है, जिन्नी इहदी लंबाई हुंदी है उन्ने साल जेल कटनी पैंदी है, यह समझ लेना। पंथ दा सरोपा प्राप्त करना, पंथ कोलों किसे तसीहे चलण दे सदे नूं प्रवान करना है। इस कौम दे सरोपाओ दी कीमत बड़ी वखरी है। जे कीमत पुछणी है भाई अमरीक सिंह नूं पुछो, कीमत पुछणी है बाबा ठारा सिंह नूं पुछो, कीमत पुछणी है उन्हां शहीद परिवारां दीआं बच्चियां नूं पुछो जिन्हां ने हवालातां च बाप नाल बेटी नूं पा दित्ता गया, सहुरे नाल नूंह नूं पा दित्ता गया, जिन्हां बच्चियां ने पट चीर के नूण भर दित्ता गया। असीं हिंदुस्तान दा कोई ठेका नहीं चक्किया। जे हिंदुस्तान साडे लई फिक्रमंद नहीं, सारे इकबाल दा सरकारी शेर पढ़दे ने,
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखा तो अब उसमें बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन सारे कुबाल दियों ने क्या शर्म आती है हमें अब इसको वतन कहते हुए। ये सारी कुबाल दी लाइन है। जे तुसी दुनिया के इतिहास नू पढ़ने जेड़िया कौमा राज दे योग नहीं रहिंदियां, जिन्हां कौमां दी जुबान ते धर्म दा राज नहीं आउंदा, उन्हां कौमां दी कोई थां नहीं हिंदुस्तान च। इत्थे जैन मत गर्क होया, इत्थे बुद्ध मत गर्क होया, तुहाडे मत दे दुआले हिंदुस्तान दा 70 करोड़ आदम खड़ा है। इत्थे गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं सैंतियां दी बेअदबी, इत्थे धर्म प्रचार दीआं गड्डियां दिन दिहाड़े अग लाउंदी है सरकार, इत्थे इंदौर विच गुरुद्वारा इमली साहिब दी बेपती गुरु की गोलक गुरु ग्रंथ साहिब जी के सामने तोड़ी जाती है। 1500 CRP का सिपाही दण दणा के सड़े जुतियां दरबार साहब दाखिल होंदा है। परख होगी हिंदुस्तान च। लेकिन एक गल बड़ी साफ से बड़ी सिपाही तक समझ लेना, हिंदुस्तान की सरकार की अख है दो गल्लां ते। एक गल स्पष्ट कर गए जथेदार जगदेव सिंह तलवंडी के दुनिया की कोई ताकत सिख लीडरशिप के विचाले कोई कंध नहीं कढ़ सकती। दूजी अख है संत जरनैल सिंह पिंडरां वाले की जिंदगी ते। मेरी गल भुलना ना, मैं तुहानू संगत कहना, उन्होंने मुकदमा बना के मैं कागज भेजे। एक मुकदमे की धारा 153 है, वह है संत जी ने एक बयान दिता, धारा मेरे ते है कि बयान छपया। मैं क्या भी मैं छापया, जे मैनू अदालत च भी पूछा गया तो मैं जज नू भी यह सवाल करना कि जे 70 करोड़ हिंदुओं नू राज करन दा अधिकार है, पंजाब च 70 लाख सिखां दा अधिकार कौन खो सकदा है। यह गल्लां एक दिन होनिया ने। आनंदपुर का प्रस्ताव जिहदी तुसीं बारी बारी गल कीती, आनंदपुर के प्रस्ताव विच साफ है राजसी संविधान की सिरजना प्राप्ति। श्रोमणी अकाली दल के विधान की धारा आड़ा बड़ी स्पष्ट है, राजसी संविधान की सिरजना प्राप्ति श्रोमणी अकाली दल के बुनियादी ढांचे की नहीं है। पोलीटिकल कॉन्स्टिट्यूशन चाहती है सिख कौम। अकाली दल के विधान के मुताबिक जे अकाली दल हिंदुस्तान के इलैक्शन कमीशन ने राजनीतिक पार्टी मने है तो फिर हिंदुस्तान की सरकार ने यह भी मने है कि अकालिया राजसी संविधान की आग्या देनी पड़ेगी। अज तुसी आए हो एक लाइन कह के मैं अपने विचारां नू सीमित करदा कि नौजवान बच्चे आए ने उन्हां मैं हाथ जोड़ के एक गल कहनी चाहना कि बुढ़े ठेरे मनुख मंजियां ते बह के कुर्सियां ते बह के नंबरदारियां नू प्राप्त करके जीना चाहते होंगे ने बुढ़े ठेरे मनुख। लेकिन तुसी नौजवान बुढ़िया ठेरिया जिन्हां दी सोचनी सिखां दी कौम दे भविख नू साड़ के सवाह करदी होवे, ऐसे बुढ़े ठेरे मनुखां नू पंजाब दे सिख कौम दीआं मंजियां तों उठाओ। जे सिख कौम दे भविख नू तुसी 2-4 साल विच ना सांभ सके, कोई दुनिया की ताकत इन्हां मंदरां दी पवित्रता नू कायम नहीं रख सकेगी। मैं तुहानू हाथ जोड़ के बेनती करना चाहना कि मैं भाई अमरीक सिंह जी नू मुबारकबाद दिना, जथेदार जगदेव सिंह जी तलवंडी, संत हरचंद सिंह जी लौंगोवाल, संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले, जिन्हां ने किसे मां वांगू हर पुत नू जगाउण दी कोशिश कीती कि पुत्र तेरे घर ते डाका पैण वाला है। मावां पुत्रां नू समझाउंदियां ने कि तेरे बाप दी परे च पग लथी सी, पुत्रा तू मेरा खून ता है जे परे च बापू की लत्थी पग का बदला लें। साडे हर बजुर्ग की पग लत्थी है, साडी हर भैन की पत लुटी गई है, साडे हर बच्चे नू कतल किया गया है, लेकिन गुनाह सिखां दा कोई नहीं। इन्हां गुनाहां दे अवज़ाने च हिंदुस्तान की सरकार फैसला अज करे, हिंदुस्तान की सरकार फैसला कल करे, लेकिन जिन्नी देर अकाली लीडरां की जुबान चो पंथ के लीडरां की जुबान चो राज करी गल ना निकली, खालसे की कोई गल हिंदुस्तान च नहीं चलनी। इन गल्लां कह के मैं मंगदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी।